तो यार जैसा कि सामने आप बाइक को देख सकते हैं, होंडा SP125 न्यू 2023 मॉडल। तो करते हैं इस बाइक का रिव्यू, क्या क्या इसमें टोटल फीचर्स मिलते हैं 2023 में, इसमें क्या क्या न्यू अपडेट है, न्यू ऑन रोड प्राइस अब इस बाइक की क्या मिलती है, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस बाइक से रिलेटेड इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस न्यू होंडा SP125 में आपको BS6 Phase 2 का भी अपडेट मिल जाता है। तो यार वीडियो को आप एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना। बाकी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह फ्रंट से। तो फ्रंट लुक आपको जो है कुछ ऐसा मिल जाता है। फ्रंट लुक पहले से ही काफ़ी अट्रैक्टिव है। होंडा SP125 में आपको मिल जाता है फुल्ली LED हेडलाइट, जो कि की ऑन करने के बाद ऑन हो जाता है। इसको ऑन करने के लिए बाइक को स्टार्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऑन होने के बाद आपको जो है बाइक का फ्रंट लुक कुछ ऐसा मिल जाता है। बाकी इसमें बल्ब में आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इंडिकेटर्स में अब आपको जो है एक चेंज मिलेगा। जैसे इंडिकेटर ऑन करने के बाद पहले बिल्कुल आवाज़ नहीं आती थी, लेकिन अब आपको इंडिकेटर के साथ में साउंड भी मिल जाता है। तो यार इंडिकेटर ऑन करने के बाद साउंड नहीं आता ना, वो पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यार ये अपडेट आपको कैसा लगा, पसंद आया या फिर नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रंट में आपको यहाँ पर मिल जाते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। फ्रंट में आपको जो यहाँ पर ड्रम और डिस्क का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट में आपको 240mm साइज़ का यहाँ पर डिस्क मिलता है विद CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर हम रियर ब्रेक प्रेस करते हैं तो उसके साथ में फ्रंट का भी अप्लाई हो जाता है। एलॉयज का डिज़ाइन यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सस्पेंशन के दोनों ही साइड में यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 80x118 inches एलॉयज के साथ यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो इसमें आपको साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेफ्टी फीचर भी मिल जाता है। अगर बाइक गियर में है, बाइक का स्टैंड नीचे है, तो स्टैंड ऊपर करने के बाद ही बाइक स्टार्ट होती है। 5-speed का इसमें गियर बॉक्स मिल जाता है। गियर पैटर्न आप देख सकते हैं, 1 down 4 up। तो यार जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें अब आपको न्यू होंडा SP125 में थोड़े से न्यू ग्राफिक्स मिलते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं SP125 की न्यू डिज़ाइन में आपको यहाँ पर बैचिंग मिलती है। तो SP125 में आपको जो न्यू ग्राफिक्स मिलते हैं, थोड़ा सा न्यू लुक मिलता है, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो होंडा SP125 में यहाँ पर काफ़ी अच्छे खासे मस्कुलर लुक के साथ फ्यूल टैंक मिल जाता है। 11 liter इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। टैंक पर यहाँ पर टैंक काउल भी मिल जाते हैं, जो कि बाइक के लुक को काफ़ी स्पोर्टी बनाते हैं। तो यार होंडा SP125 में पहले 60 से 65 के आसपास इजीली माइलेज मिलता था, लेकिन अब आपको माइलेज में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि इसका रियर टायर साइज़ जो है वो चेंज हो चुका है। लेकिन आपको यहाँ पर 60+ माइलेज तो ईजिली मिल जाएगा बाइक को अच्छे से चलाने पर। बाकी यार इसके डिजिटल मीटर में आपको इको मोड भी मिल जाता है, उसको फॉलो करने से बाइक से काफ़ी अच्छा माइलेज 100% मिल ही जाता है। टैंक पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर E20 की बैचिंग भी आपको मिल जाती है। इंजन की बात करें तो इंजन सेम है। पावर फिगर में यहाँ पर आपको कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता, लेकिन इंजन यहाँ पर आपको पहले भी काफ़ी रिफाइंड मिलता था, लेकिन अब और भी ज़्यादा रिफाइंड हो चुका है। पावर इससे आपको 10.8 PS की मिल जाती है। 10.9 Nm का यहाँ पर आपको टॉर्क मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, होंडा SP125 का एग्जॉस्ट भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो पहले आपको कुछ ऐसा एग्जॉस्ट मिलता था, लेकिन अब आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा पहले से छोटा एग्जॉस्ट मिल जाता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यार एग्जॉस्ट में पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी अच्छा था। बाकी आपको ये चेंज कैसा लगा और दोनों में से आपको कौन सा बेटर लग रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे बेस्ट अपडेट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि इस बाइक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, तो यार फाइनली इसका रियर टायर चेंज हो चुका है। अब आपको इसमें 100x80 साइज़ का रियर में टायर मिलता है, तो इस वजह से बैक लुक भी अब काफ़ी अच्छा लगता है। स्टेबिलिटी भी यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलने वाली है। रियर में आपको 4-step एडजस्टेबल हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाते हैं। रेड कलर में यहाँ पर स्प्रिंग मिलती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बैक लुक आपको जो है पहले जैसा ही सेम मिल जाता है। यहाँ पर आपको बल्ब में टेल लाइट मिल जाती है। अगेन बल्ब में यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। साड़ी गार्ड, लेडीज़ फुटरेस्ट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको बैक में मिलता है सीट ओपन करने के लिए की ऑप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। फुल्ली कवर्ड यहाँ पर आपको चेन मिल जाती है, जिस वजह से यहाँ पर आपका मेंटेनेंस काफ़ी कम रहता है। आपको जो है बार बार इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
होंडा SP125 में आपको यहाँ पर सिंगल सीट मिल जाता है जो कि काफ़ी लॉन्ग है, तो राइडर और पिलियन दोनों को ही यहाँ पर अच्छा खासा कंफर्ट मिल जाएगा। डिजिटल मीटर में इसमें कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी आपको इसमें नया फीचर नहीं मिलता। इसमें पहले से ही आपको कुछ अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि गियर इंडिकेटर टाइम आप इसमें देख सकते हैं, रियल टाइम माइलेज का भी इसमें फीचर मिल जाता है, बाकी बाइक का टोटल एवरेज भी आप देख सकते हैं, किलोमीटर रेंज यानी कि बाइक में फ्यूल कितना है, उस फ्यूल में बाइक कितना और किलोमीटर चल सकती है, ये फीचर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। मीटर कंसोल में आपको इको मोड का लाइट भी मिल जाता है जिसको फॉलो करने से बाइक से काफ़ी अच्छा माइलेज मिल जाता है। तो कुछ ऐसे काफ़ी सारे हेल्पफुल फीचर आपको इस बाइक में पहले से ही मिल जाते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ और नए फीचर्स ऐड हो जाते तो और भी ज़्यादा बेटर इसका मीटर कंसोल बन सकता था। लेफ्ट साइड में आपको कुछ स्विचेस मिल जाते हैं, जैसे कि लो बीम हाई बीम प्लस उसी में आपको पासिंग का स्विच भी मिल जाता है। इंडिकेटर का यहाँ पर आपको स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर के साथ अब आपको साउंड भी मिलता है, बाकी हॉर्न का साउंड आपको कुछ ऐसा मिलता है। तो बाइक में आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर आपको लेग गार्ड भी मिल जाता है, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ, अगर बाइक गियर में बाइक का स्टैंड नीचे तो बाइक स्टार्ट नहीं होती, और साथ ही इसमें आपको बैंक एंगल सेंसर भी मिल जाता है। तो इसका काम कुछ ऐसा है, अगर बाई चांस अगर कभी एक्सीडेंटली हमारी बाइक गिर जाती है तो गिरने के बाद कुछ ही सेकेंड्स में बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। टॉप स्पीड आपको होंडा SP125 में 110 के आसपास मिल सकती है, 165 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। सीट आईडी यहाँ पर आपको 790 mm मिल जाती है, 118 kg आपको होंडा SP125 का कर्व वेट यहाँ पर मिलता है। तो अब ये न्यू होंडा SP125 आपको कैसी लगी, क्या आपको इसमें बेटर लगा, किस चीज़ की कमी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना है। चैनल पे अगर आपने आपको बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करना है। बाकी जल्द मिलते हैं किसी और वीडियो में, वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।